करने के लिए गौरव। अगली बड़ी खबर जबलपुर से मिल रही है, जहां पर नाम वापसी के आखिरी दिन राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। जबलपुर की सिहोरा विधानसभा से जमुना मरावी ने नामांकन वापस लिया है। पाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता श्याम सुंदर बब्बू ने भी नामांकन जो है वो वापस लिया है। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के नेता कमलेश अग्रवाल का नामांकन भी वापस हुआ है। तो नामांकन को वापस लेने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और नामांकन वापसी के आखिरी दिन तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता है वो जोर आजमाइश कर रहे हैं और नामांकन वापस ले रहे हैं। सिहोरा विधानसभा सीट से जमुना मरावी ने नामांकन वापस लिया, तो वहीं पाटन से श्याम सुंदर बब्बू ने नामांकन वापस लिया। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के कमलेश अग्रवाल ने नामांकन फॉर्म वापस लिया है। नामांकन वापस लेने का सिलसिला जारी है, और आपको बता दें कि जबलपुर से तीन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। तो वही आपको बता दें, सतना से चित्रकूट से भी निर्दलीय प्रत्याशी आर्यन कुशवाहा ने चित्रकूट से नामांकन वापस लिया। एक एक करके जिन जिन प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया है वो हम आपको बता रहे हैं। सिहोरा विधानसभा से जमुना मरावी नामांकन वापस लिया है। सतना से राजेश दुबे ने नामांकन वापस लिया है। पाटन से भी नामांकन वापस लिया गया है। उत्तर मध्य क्षेत्र से बीजेपी के कमलेश का नामांकन जो है वो वापस लिया गया। सतना से प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी राजेश दुबे ने नामांकन वापस लिया। चित्रकूट से निर्दलीय प्रत्याशी आर्यन कुशवाहा ने नामांकन वापस लिया है। नाम वापसी के आखिरी दिन राजनीतिक दल लगातार नामांकन वापस ले रहे हैं। जो नेता है प्रत्याशी है वो नामांकन अपना वापस ले रहे हैं। दुर्गेश, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, नामांकन की वापसी का आज आखिरी दिन है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से मध्य प्रदेश देख रहे हैं कि प्रत्याशियों का नामांकन वापसी का जो सिलसिला है वो जारी है। और ऐसे में राजनीतिक दलों के तमाम बड़े नेता थे वो उन प्रत्याशियों को मनाने में जुटे हुए थे जो निर्दलीय फॉर्म डाल रहे हैं। यही वजह है कि आखिरी दिन आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े नेता या तो फोन के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए या किसी भी तरह से संपर्क कर इन निर्दलीय प्रत्याशियों तक पहुंच रहे थे और उन्हें मनाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं इसमें दोनों ही राजनीतिक दल सफल हुए हैं। हम जबलपुर की बात कर लें तो जबलपुर की सिहोरा विधानसभा क्षेत्र से जहां कांग्रेस की बड़ी नेता है जमुना मरावी, जिन्होंने 2018 में चुनाव भी लड़ा था, उन्हें टिकट नहीं मिली थी जिसकी वजह से वो नाराज थी और यही वजह थी कि उन्होंने निर्दलीय फॉर्म डाल दिया था, उन्हें मना लिया गया है। इसके साथ साथ पाटन विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो वहां से श्याम सुंदर बब्बू जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें भी टिकट नहीं मिलने से वो नाराज थे, उन्होंने भी फॉर्म डाला तो उन्हें भी मना लिया गया है। वहीं बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी की उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र जबलपुर की है, वहां से नेता प्रतिपक्ष नगर निगम में जो नेता प्रतिपक्ष है अहम भूमिका निभाते हैं कमलेश अग्रवाल, उन्होंने नामांकन फॉर्म डाल दिया था और कल ही जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे जमुना एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात की, उन्हें मनाया, उन्हें आश्वासन दिया कि आगे चलकर उनका भविष्य बेहतर बनाएंगे, उस आश्वासन पर वो मान गए और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। यही स्थिति है कटनी की। यदि हम बात करें तो कटनी की भी बड़वारा विधानसभा क्षेत्र से जहां से मोतीलाल कश्यप जो पहले विधायक रह चुके हैं उन्होंने भी नाराजगी के चलते नामांकन फॉर्म डाल दिया था, लेकिन जब उनकी आला नेताओं से बातचीत हुई तो उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। लेकिन अभी भी कुछ नेता ऐसे हैं जो मैदान पर डटे हुए हैं। उदाहरण की तरह बताऊं तो कांग्रेस की जो बड़ी नेता है आदिवासी नेत्री है और पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं कौशल्या घोटिया, वो अभी भी चुनाव लड़ रही हैं और वो चुनाव दो विधानसभा क्षेत्रों से लड़ रही हैं, सिहोरा और पनागढ़, दोनों से ही उन्होंने नामांकन फॉर्म डाल रखा है। बरगी विधानसभा क्षेत्र से भी जयकांत सिंह करके कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके पिता विधायक रह चुके हैं पहले, वो मैदान पर अभी भी डटे हुए हैं, वो नहीं माने हैं। तो ऐसे में जो नेता नहीं माने हैं जो निर्दलीय चुनाव अभी भी लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो अपनी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे और यही नुकसान ना हो इसके लिए आज आखिरी दिन तमाम जो बड़े नेता थे, जो बड़े लीडर थे, वो अपने नेताओं को मनाने की कोशिश में जुटे हुए थे। तो आखिरी दिन दोनों ही राजनीतिक दलों ने बहुत जोर आजमाइश की है और बहुत हद तक वो अपने तमाम नाराज नेताओं को मनाने में कामयाब भी रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन तमाम जो दिग्गज है उन्होंने नामांकन अपना वापस लिया है। जो अपनी अपनी पार्टियों से नाराज चल रहे थे, टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे, उन्होंने नामांकन अपने वापस लिए हैं। तो चित्रकूट से निर्दलीय प्रत्याशी अरुण कुशवाहा ने नामांकन वापस लिया है। इसके साथ साथ सतना से भी निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मध्य प्रदेश दौरे पर